सुधीर भारद्वाज जी आपका, आप आए और आज आपकी हियरिंग्स भी थी, आप उन्हें खत्म करके यहाँ पर आए और सबके बातें सुनी कि किस तरह से लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या उन्हें तकलीफें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं इसको अपने अधिकार को हासिल करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लोगों की तरफ से जो यहाँ पर बैठे हैं, इस्तेमाल करते आए हैं कानून का, कि हम देखते हैं कि ये जो आयोग है, सूचना का आयोग, ये लोगों का फ्रेंड है। एक तरह से हम सोचते हैं कि सिटीजन्स की ओर से ये सूचना दिलाने का काम करने वाला एक तंत्र है, एक इंस्टीट्यूशन है। और इसीलिए जब हम एक ओर लड़ाई लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं सड़कों पर उतर के कि आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए, वैसे ही हम ये भी मांग करते हैं कि आयुक्त सही से काम करें और सही से केसेस का भी निपटारा करें और जिस भी केस में उल्लंघन हो उसके अंदर पेनल्टी जरूर लगे। अनफॉर्चुनेटली जो हमने रिपोर्ट करी है, हम ये रिपोर्टें जो हैं कोई एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं करते हैं, ये रिपोर्टें इसलिए हैं कि आंकड़ों को का इस्तेमाल करके हम अपना संघर्ष आगे बढ़ा सके। और इन रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि पेनल्टी केवल, जुर्माना केवल ऐसी जगहों पे लग रहा है, केवल 3% केसेस जहां पर लगना चाहिए था, तो वो बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से खौफ उठ जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।